हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गजेनिया की सीड हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। ये गजेनिया विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। 4 महीने से बहुत सारे ब्लूम हो चुके हैं इस पर, और अभी ये सीज़न का एंडिंग हो गया है और अभी समर स्टार्ट हो गया है, फिर भी मेरे गजेनिया ब्लूमिंग कर रहे हैं। लेकिन फ्लावर देखो कितने छोटे छोटे हो गए हैं, अभी देखो कितने सारे। और ये जो है ना, ये स्पेंट फ्लावर है, तो इसको तो बैक इसको निकाल देना चाहिए। और मैंने रखे हैं यहाँ पर सीड्स दिखाने आपको, देखो ऐसे सूखना, ये ऐसे सूख गया है ना, तो इसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। देखो ये सीड्स है, इतने सारे सीड्स है, ऐसे सूखना चाहिए। तो ये वाले सीड्स है, इसको आप इकट्ठा करके ना कोई पॉलीथीन में या प्लास्टिक बैग में, बॉक्स में, कहीं पर भी स्टोर करके रख दो। तो फिर ये आपको फिर से अक्टूबर में जर्मिनेशन के लिए काम आ जाएंगे। और देखो मैंने ऐसे नीचे डाल दिए हैं ये सारे सीड्स, और इस महीने में भी ना जर्मिनेशन हो रहा है। देखिए सारे नीचे गिर पड़े हैं, ये देखो, ये देखिए यहाँ पर गजेनिया के बेबी प्लांट्स छोटे छोटे अपने आप हो गए हैं। ये सारे अपने आप हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़े मैं निकाल के रखती हूँ अगले साल के लिए, और बाकी के ना मैं बीज यहीं पर डाल देती हूँ ताकि फिर से ये जर्मिनेशन हो जाए। इसको अभी हम लोग कोई शेडी एरिया में अगर शिफ्ट कर दो ना, तो ये नेक्स्ट ईयर तक भी रह जाएगा ये प्लांट। ज़्यादा गर्मी ना लगे तो इसको ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर दे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए प्लीज़।